दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मेघा ने मुलाकात की है। बता दें आपको ये मुलाकात दिल्ली में हुई है। दिल्ली में मेघा परमार अमित शाह से मिलने पहुंची हैं। दोनों के बीच मुलाकात हुई। मध्य प्रदेश की पहली बेटी जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया, मेघा परमार। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की है मेघा परमार ने, दिल्ली पहुंची मिलने के लिए। मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं मेघा परमार, मुलाकात करने पहुंची हैं गृह मंत्री से। मेघा परमार लगातार सोशल इवेंट्स में सक्रिय रहती हैं। मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मुलाकात करने पहुंची हैं अमित शाह से मुलाकात की, तस्वीर भी आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की पहली बेटी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। संवाददाता संजय हमारे साथ हैं। संजय, जानना चाहेंगे किस तरीके का माहौल है, क्योंकि अगर देखा जाए माउंट एवरेस्ट फतह किया मेघा ने, लगातार सोशल इवेंट्स में बनी रहती हैं, और आज केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात उन्होंने की है। जी नाजमीन, यहाँ सीहोर के छोटे से गांव की भोजनगर की मेघा परमार, जो कि मध्य प्रदेश की पहली बेटी है जिसने माउंट एवरेस्ट फतह किया, और ऑस्ट्रेलिया के भी और पर्वत इन्होंने फतह किए, और आज इन्होंने भारत के गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करी। और ये मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और उन्होंने बताया मेघा ने कि गृह मंत्री ने उनकी सराहना की, उनको शाबाशी दी और कहा कि एक गांव की किसान की बेटी होकर तुमने एक बड़ा और महान कार्य किया है, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। जी ना जी। परिजनों में किस तरीके की आपने बातचीत की, किस तरीके से वो देख रहे हैं मेघा की सफलता को? जी बिल्कुल, परिजनों और पूरे गांव भोजनगर और बल्कि शहर के सभी लोगों को मेघा पर गर्व है, और पिछले कई दिनों से सोशल और सामाजिक गतिविधियों में भी मेघा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इससे सीहोर के और भोजनगर गांव के लोग सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शुक्रिया।